शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप दुनिया को बदल सकते हैं, इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जो आपके घर में अशुभता लाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, और कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जो आपके घर में शुभता को बढ़ाते हैं, जिन्हें आपको अवश्य करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 12 जून 2024 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 7:16 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम पंडित जी से समझेंगे क्या कर्म वाकई में शुभता और अशुभता पैदा करते हैं, क्या कर्मों का प्रभाव होता है। पंडित जी, बहुत सारे लोग तरह तरह का कर्म करते हैं, हम सब कर्म करते हैं, तो क्या उन कर्मों का असर होता है, उससे शुभता अशुभता आती है? देखिए, हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे कर्मों से भी, जो कार्य हम करते हैं उससे भी शुभता अशुभता पैदा होती है। कैसे? देखिए, हमारे आज के कर्म ही भविष्य में हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे कर्मों से, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे वो अशुभ कर्म हो, इन्हीं से हमारे जीवन में शुभ और अशुभ तरंगे पैदा होती हैं, और जब बहुत सारी शुभ तरंगे इकट्ठा हो जाती हैं या बहुत सारी अशुभ तरंगे इकट्ठा हो जाती हैं, तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारी बहुत सारी आदतें, छोटी छोटी आदतें, हमारे घर को और हमारे जीवन को शुभ और अशुभ बना देती हैं। लोग ये शिकायत करते हैं ना कि मेरा घर अशुभ है, घर में अच्छा फील नहीं होता, घर में अच्छा नहीं लगता। इसके लिए केवल आपका घर ही जिम्मेदार नहीं है, आपके जो अपने कर्म हैं, जो आप अपने घर में शुभ या अशुभ कार्य करते हैं, उसकी भी बड़ी भूमिका आपके जीवन में होती है। तो आपके कार्यों से भी आपका घर शुभ या अशुभ बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कि कर्मों का हमारे जीवन पर, हमारे घर पर, हमारे परिवार पर क्या प्रभाव होता है, और कौन से ऐसे कर्म हैं जो घर में अशुभता लाते हैं। पंडित जी, ऐसे कौन से काम हैं जिनकी वजह से घर में अशुभता आती है? अब ये जानते हैं कि किन कार्यों से, हमारे कौन से काम ऐसे होते हैं जिससे हमारे घर में अशुभता आ जाती है। गंदे जूते चप्पल पहन करके अगर आप अपने घर में घुसेंगे तो आपके घर में नकारात्मक तरंगे आएंगी। आप बाहर किन किन स्थानों पे गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, सड़क पे चले हैं, गंदगी में चले हैं,
हर जगह की तरंगे आपके जूते चप्पलों के अंदर आती हैं, और ये गंदे जूते चप्पल पहनकर अगर आप अपने घर में घुसते हैं तो उसके साथ अशुभ तरंगे भी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए पहले ज़माने में घर के बाहर ही जूते चप्पल निकालते थे, और आज भी बहुत सारे घरों में जूते चप्पल जो बाहर के होते हैं वो घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। घर में अगर आप गंदे कपड़े इकट्ठा करके रखते हैं, गंदे कपड़े थोड़े से हो जाएं तुरंत उन्हें धो करके साफ कर दें। आप गंदे कपड़ों का गट्ठर बनाए जाते हैं, गंदे कपड़े इकट्ठा किए चले जाते हैं, ऐसे गंदे कपड़े अगर आप अपने घर में इकट्ठा करके जमा करके रखेंगे तो इसके प्रभाव की वजह से भी घर की तरंगे बिगड़ेंगी और घर की तरंगे अशुभ फल देंगी। इसीलिए कपड़े गंदे होते हैं तुरंत उन्हें हटा करके धो करके किनारे कर दीजिए। आपके घर का जो बाथरूम है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि वहाँ से आपके घर में सबसे ज़्यादा शुभता और अशुभता फैलती है। अगर आप अपने घर के बाथरूम को गंदा रखते हैं, पानी हमेशा गिरा रहता है, पॉट और वॉश बेसिन हमेशा गंदा रहता है, बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, अगर ऐसा आपके घर के बाथरूम में होता है लगातार, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर के बाथरूम की वजह से आपके घर में रोग और बीमारियां आएंगी, घर में अशुभता पैदा होगी। पढ़ने लिखने के बाद घर में किताबों को, पेन को अगर आप बिखेर करके रखते हैं, उसको डिस्टर्ब करके रखते हैं, तो इससे आपकी एकाग्रता खराब होगी, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ेगा। और किताबों को, पेन को अगर बिखेर करके रखेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका मन एकाग्र नहीं होगा और घर में अशुभता पैदा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका एक कर्म है कि घर में आपके पूजा कभी होती ही नहीं है। सुबह शाम में किसी भी समय पूजा स्थान पर आप धूप बत्ती, दीप बत्ती नहीं जलाते, और पूजा स्थान भी गंदा पड़ा रहता है, पूजा स्थान का ध्यान नहीं रखते। ऐसी स्थिति में भी आपके घर में अशुभता पैदा होती है, और आप अपने घर का माहौल भी पवित्र नहीं रखते। घर में मांस मदिरा का खूब प्रयोग होता है, ऐसा करने से भी घर के अंदर अशुभता पैदा होती है। सबसे पहले बात मेष राशि की, मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, धन की स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी, शिक्षा में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की, शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं,
काम से आपको परेशानी हो सकती है, धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे कर्म हमारे जीवन पर असर डालते हैं, हमारे जीवन में शुभता बढ़ाते हैं अशुभता बढ़ाते हैं। पंडित जी, खान पान की आदत से कैसे घर में अशुभता आती है, किस तरह की खान पान की आदत हमें नहीं बनानी चाहिए? आपके खान पान की भी बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जो आपके घर में अशुभता पैदा करती हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो घर में घूम घूम कर खाना खाते हैं, कभी डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, कभी किचन में खा रहे हैं, कभी ड्राइंग एरिया में खा रहे हैं, कभी बेडरूम में ही खा लेते हैं। घर में घूम घूम कर खाना खाना ये उचित नहीं है। मांसाहार और शाकाहार के लिए एक ही बर्तन का प्रयोग करते हैं आप, उसी बर्तन में नॉनवेज बनाया और खाया जाता है और उसी बर्तन में वेजिटेरियन खाना बनाया और खाया जाता है। ऐसा करने से एक तो घर की और भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है और दूसरा, ऐसा करने से आप उसी बर्तन में बना हुआ भोग या प्रसाद भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, इसीलिए घर में अशुभता आ सकती है। घर में जूठे बर्तन इधर उधर आप छोड़ते हैं, पानी पी करके गिलास किसी टेबल पे छोड़ दिया, चाय पी के चाय के जूठे कप इधर उधर छोड़ दिया। अगर आप ऐसा करेंगे, जूठे बर्तन इधर उधर छोड़ेंगे, तो इससे भी आपके घर में अशुभता अवश्य आ सकती है। अगर आपके घर में खाना बर्बाद होता है या खाना बचा लेते हैं और बाद में उसे कूड़े में डाल देते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। और जो लोग खाना फेंकते हैं, खाने की बर्बादी करते हैं, खाना कूड़े में डालते हैं, उनके घर में कभी भी समृद्धि नहीं आ सकती, कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। इसीलिए अपने घर में आप खाना इधर उधर मत फेंकिए, खाने की बर्बादी मत करिए, वरना इस आदत से भी आपके घर में अशुभता पैदा होगी। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को आप हल कर लेंगे, नौकरी में बदलाव और राहत के संकेत दिख रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष की समस्याएं आपको हो सकती हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछें आपको बताएंगे। उसके पहले जान लें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा। सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताएंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आगे ऐसा क्यों अवश्य देखिएगा क्योंकि उसमें पंडित जी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों के बारे में बताते हैं, और आगे शुभ मंगल सावधान जरूर देखें, उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हमें अंकुर वर्मा ने लिखा है, मुजफ्फरनगर से लिखते हैं। 19/11/1988 का जन्म है, 9:28 रात को, रुड़की, उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मेरे करियर में स्थिरता नहीं रहती है, मेरा विवाह कब होगा और कैसा रहेगा? अंकुर, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जीवन का जो बेहतर समय है वो अप्रैल 2025 के बाद है। इसके बाद से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके करियर में स्थिरता आएगी और 2025 के मध्य में आपके विवाह होने के योग बनते हैं, तो 2025 के मध्य तक आपका विवाह अवश्य होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्म किस तरीके से हमारे जीवन पर असर डालते हैं। पंडित जी, व्यवहार, हम जैसा व्यवहार लोगों से करते हैं उससे किस तरीके से हमारे घर में शुभता अशुभता आती है? आपके व्यवहार से भी, आपकी आदतों से भी घर में अशुभता आती है। कैसे आती है? आपके घर में चीखना चिल्लाना बहुत होता है, लोग ऊंची आवाज में बात करते हैं, या आप अपनी पत्नी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर चीखते हैं,
या आपकी पत्नी चीखती है, जिस घर में चीखना चिल्लाना ज्यादा होता है उस घर में भी अशुभता आ जाती है। घर के बड़ों के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करते। अगर आप घर में बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में भी आपके घर में अशुभता आएगी। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। घर की जो महिलाएं हैं, अगर आप उनके साथ अपने संबंध अच्छे नहीं रखते तो ऐसी स्थिति में भी आपके घर में दिक्कतें आती हैं, आपके घर में अशुभता पैदा होती है। क्योंकि घर की जो महिलाएं हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप हैं। अगर आप उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रखेंगे तो आपके घर में निश्चित रूप से अशुभता पैदा होगी। घर के बच्चों को मारना पीटना, बहुत सारे लोग होते हैं अपने ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन, अपने काम का फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालते हैं, बेवजह बच्चों को मारते पीटते हैं। अगर आप अपने घर में बच्चों को मारेंगे पीटेंगे तो घर की तरंगें खराब होंगी और आपके घर में अशुभता आनी शुरू हो जाएगी। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे, करियर की समस्याएं हल होंगी, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, बार बार लोग ये सवाल पूछते हैं खासकर दिवाली के मौके पर कि माता लक्ष्मी की पूजा सबसे ज्यादा गणेश जी के साथ क्यों होती है, दीपावली में तो गणेश जी के साथ करते ही हैं हम, जबकि लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों है? देखिए,
माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं, लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी की पूजा भगवान गणेश के साथ ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों? देखिए, एक बात तो आप ये जान लीजिए कि भगवान गणेश जो हैं वो माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। माता लक्ष्मी प्रतीक हैं धन का और भगवान गणेश प्रतीक हैं बुद्धि का। अगर बिना बुद्धि के आपके पास धन आने लगे तो आप निरंकुश हो जाएंगे, उस धन की बर्बादी करेंगे। इसीलिए ऐसी स्थिति में अगर आप भगवान गणेश की पूजा भी माता लक्ष्मी के साथ करते हैं तो आपको धन भी मिलेगा और आप बुद्धिमानी से उसको इस्तेमाल यानी प्रयोग कर पाएंगे। धन के साथ बुद्धि का कॉम्बिनेशन जरूरी है और इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे काम हमारे घर में अशुभता को बढ़ाते हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो हमें जरूर करना चाहिए जिससे घर में शुभता बढ़े। तो पंडित जी, किन कार्यों से घर में शुभता बढ़ती है? अब मान लिया आपके घर की तरंगे अशुभ हैं, आपके घर के वाइब्रेशन अशुभ हैं, तो घर में कौन से ऐसे काम नियमित रूप से करें जिससे घर में शुभता आए, घर में मांगल्य हो? क्या करेंगे ऐसा? घर में दोनों समय सुबह शाम 5 मिनट ही सही, लेकिन दोनों समय पूजा उपासना जरूर करिएगा। घर में दोनों समय पूजा उपासना जरूर करें। घर में जितना संभव हो साफ सफाई रखें, आपका घर बड़ा हो या छोटा हो, जितना संभव हो साफ सफाई रखनी चाहिए। घर में पानी की बिल्कुल बर्बादी ना करें। घर में पानी की बर्बादी करेंगे आपके घर में संपन्नता और समृद्धि नहीं आएगी। घर में आराम से बात करिए, घर में चीखना चिल्लाना, तेज आवाज में म्यूजिक सुनना, ये सब बेहतर नहीं होगा। सप्ताह में एक बार घर में कोई धार्मिक आयोजन करें, यानी घर में एक दिन ऐसा बना लें जब आपके घर में सुंदरकांड सब लोग पढ़ें, जब सब लोग घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, जब घर में एक दिन सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए, कोई एक दिन घर में सब लोग मिलकर के पूजा उपासना करें, बहुत अच्छा होगा। और शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। रात के समय में शनिवार की रात को घर के मेन डोर पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे और घर में एक सफेद गाय की मूर्ति या एक सफेद हाथी की मूर्ति आपको जरूर रखना चाहिए। इसको अपने पास रखने से आपके घर में संपन्नता और समृद्धि पैदा होगी। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, बड़े निर्णय अगर लेने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा
लाल। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा, धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष आपका अच्छा बना रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपको करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 2, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 3, आपके रुके हुए काम आज पूरे होंगे। नंबर 4, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 5, व्यर्थ का तनाव इस समय हो सकता है। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 8, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। नंबर 9, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। अब समय हो गया है भाग्य पहर जानने का। आज का भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। आपके कार्यों में जो बाधा चली आ रही है, जो रुकावट चली आ रही है, वो रुकावट दूर होगी। अब वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हरी इलायची खाकर घर से जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल या चिकित्सा के लिए जाना हो तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी आपको करनी है,
गाड़ी, मकान, आभूषण, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को पंडित जी बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा सिंह राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, कार्यों की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंताएं दूर होंगी। और आज सावधान रहना होगा मकर राशि वालों को, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाद विवाद, तनाव और चिंता से बचाव करिए। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।